हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी कृति। सो आज मैं ये क्रिएट करने जा रही हूँ समर पीची मेकअप लुक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अप्लाई करूंगी मैं गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम। सो ये सीरम हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है एंड एक अलग ही हाइड्रेटिंग फील दे देता है। उसके बाद अप्लाई करूंगी मैं यहाँ पे मेबलिन कंसीलर। जैसा कि आप देख ही सकते हैं मैंने मेरी आईब्रोज को पहले फिल कर लिया था, अब उसको मैं अच्छे से एक शेप दूंगी, वो भी कंसीलर की हेल्प से, और उसके बाद मैं कंसीलर को ब्लेंड आउट कर दूंगी। मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्टेक वर्क की कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे अपने फेस को अच्छे से सेट कर लूंगी। इस वीडियो में मैंने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, बट अगर आप चाहें तो आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ शुगर का ब्लश और इसको आईलिड्स पे अप्लाई करूंगी एज एन आई शेडो। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे निक्स का लिप ऑयल और अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी, इससे मेरे लिप्स हाइड्रेटेड रहेंगे। अब मैं फ्लफी ब्रश के हेल्प से शुगर के ब्लश को अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी। लैशेस को वॉल्यूमलाइज करने के लिए मैं अप्लाई करूंगी मेबलिन मस्कारा। मैं ले रही हूँ यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड ओम्ब्रे ब्लश पैलेट इन द शेड मैट आई बायो और ड्रिंक, बिकॉज इस ब्लश पैलेट के अंदर शिमर है तो मैं इसको हाइलाइटर की तरह अप्लाई करूंगी। अपने लिप्स पे से लिप ऑयल रिमूव करके मैं अप्लाई करूंगी स्टेक वर्की की मिनी लिक्विड लिपस्टिक, एंड हमने जो लिप ऑयल लगाया था उससे हमारे लिप्स बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो गए हैं और हाइड्रेशन की वजह से हमारे लिप्स ड्राई नहीं होंगे,